हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल संगीता टीचर। बच्चों, आज के अपने लेसन का नाम है सोना और लोहा, रिटन बाय रामेश्वर दयाल दुबे। तो बच्चों, ये जो लेसन है ये कन्वर्सेशन है, इसमें कन्वर्सेशन दिया हुआ है सोना और लोहे के बीच में। तो यहाँ पर अभी जो लेखक है हमारे रामेश्वर दयाल जी, इन्होंने रंग रूप की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया है। मतलब रंग रूप इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि उसके गुण कैसे हैं इस पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। तो क्या इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और ढेर सारे लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो पूरे जोश और उल्लास के साथ शुरू करते हैं अपना आज का लेसन जिसका नाम है सोना और लोहा। सोना मीन्स गोल्ड, लोहा मीन्स आयरन, जो कि दोनों भी मेटल्स हैं। तो इन दोनों में अभी कन्वर्सेशन हो रहा है। अभी ये कहाँ पर हो रहा है आप टेक्स्ट बुक की पेज पर देख सकते हो पिक्चर। उसमें तीन तिजोरी दी हुई है पिक्चर उनका, और तिजोरी में से ये जो लॉकर है उनमें से सोना बाहर आया हुआ है। वहाँ पर हमें नेकलेस दिखाई दे रहे हैं, फिर बैंगल्स है, फिंगर रिंग्स है, ईयररिंग्स है, तो ये सारा सोना जो है वो बाहर निकला हुआ है और अभी वहाँ पर उनका कन्वर्सेशन चलता है। तो देखते हैं ये दोनों क्या बातें करते हैं। तो ये जो सोना है ना, ये बहुत अकड़ता है, बहुत ग्रेट समझता है खुद को। तो अभी वो लोहे से क्या कहता है कि मैं स्वर्ण हूँ, मैं सोना। स्वर्ण मीन्स सोना। मेरी भी क्या शान है, शान मतलब ठाट बाट, क्या ठाट बाट है मेरे। जिसे देखो मुझे चाहता है, वो क्या कहता है, हर एक व्यक्ति मुझे चाहता है, मुझे पसंद करता है। ऐसे क्यों कहता है वो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, फिर वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सोना सभी को अच्छा लगता है, सभी को पहनने के लिए भी अच्छा लगता है। और वो कहता है कि मेरे गुण ही ऐसे, उसकी क्वालिटी अच्छी है। वो कहता है अभी गुण कौन से इसमें, अभी सोना पहनने से, ये जो भी सोना पहनते हैं फीमेल खास करके, तो उनकी ब्यूटी और भी बढ़ जाती है, उनकी सुंदरता और भी बढ़ती है और उनका स्टेटस भी बढ़ता है समाज में, सोसाइटी में। तो वो कहता है कि ये मेरे गुण ही ऐसे, लोग इसीलिए मुझे चाहते हैं। तो अभी लोहा कहता है कि क्या कह रहे थे, मेरा रंग रूप ही ऐसा, मेरे गुण ही ऐसे। फिर सोना कहता है हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। मेरा रंग देखो, मेरा रूप देखो, चमकता हुआ पीला कलर जो बहुत सुंदर दिखाई देता है, शाइन करता है पीला कलर, और मैं पूरी दुनिया में सबसे सुंदर हूँ, मेरे जैसा सुंदर कोई भी नहीं है। अभी सारे मेटल्स में, जितने भी मेटल्स है, धातु है, उनमें सबसे अच्छा चमकने वाला मेटल जो है वो कौन है, सोना है, गोल्ड है। और इसलिए वो कहता है कि संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। अभी उसको लोहा कहता है कि पहले मुझे ये तो बता कि तू इस तिजोरी के बाहर से आया क्यों, तिजोरी के बाहर निकला क्यों। मैंने तुझे लाख बार समझाया है कि तिजोरी के बाहर आना खतरे से खाली नहीं है, मगर तू मानता ही नहीं है, तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। वो उसको कहता है कि मैंने तुम्हें कितने बार समझाया, लैक्स ऑफ टाइम्स आई टोल्ड यू कि यू आर नॉट सपोज टू कम आउट ऑफ दैट लॉकर, क्योंकि अगर तुम लॉकर के बाहर आओगे तो ये खतरा हो जाएगा, इट विल बी अ रिस्क। ऐसा क्यों कहता है वो, क्योंकि अगर सोना बाहर आया, और या तो हम कहीं भी अगर सोने की चीज़ रख देंगे तो क्या होता है, लोग उसे चुरा ले सकते, कोई भी जो चोर होगा वो उसे चुरा लेगा। इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारा बाहर आना, तिजोरी के बाहर आना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा कहते हुए वो कहता है कि तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। रक्षा मतलब प्रोटेक्शन, और भार मतलब भार का मीनिंग वजन होता है या लोड, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मेरी जवाबदारी है तुम्हारी रक्षा करना, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा वो सोने से कहता है कि इसलिए तुम अंदर रहा करो, तिजोरी के अंदर। तो अभी ये जो सोना जो था उसे तो घमंड आ गया कि ये मेरी रक्षा करता है, ये मेरा बॉडीगार्ड है। तो अकड़ रहा था वो बहुत, और घमंड में उसे कहता है कि हाँ अच्छा, राजा की रक्षा तो उसके नौकर चाकर करते ही है। अभी उसे क्या कहता है वो, अकड़ देखो उसकी कितनी है, इतना घमंड आ गया उसमें कि वो लोहे को जो उसकी रक्षा कर रहा है, जो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, उसी को वो क्या कह रहा है, नौकर कह रहा है, और खुद को क्या समझ रहा है, राजा, किंग समझ रहा है। फिर अभी लोहे को गुस्सा आता है,
क्योंकि एक तो वो उसका उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और उसी को वो नीचा दिखा रहा है हर पूरे कन्वर्सेशन में ना बच्चों, ये सोना लोहे को नीचे दिखा रहा है। तो अभी वो कहता है कि अच्छा तो तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रंग रूप बदल जाएगा, चल भीतर। मतलब वो कहता है कि अगर मैं एक थप्पड़ मारूंगा ना तुम्हें, एक चाटा दूंगा ना, तो तुम्हारे जो रंग रूप है ना, तुम्हारी जो शक्ल है, मतलब ये जो तुम्हारे शेप जो है अलग अलग जो ऑर्नामेंट्स में हम बनाते हैं अलग अलग शेप के, तो ऑर्नामेंट्स, तो उसका रंग रूप ही तुम्हारा बदल जाएगा। क्योंकि ये जो गोल्ड जो होता है ना वो फ्लेक्सिबल होता है, वो बेंड होता है इजिली, इसीलिए वो कहता है कि मेरे एक चाटे से तुम्हारा रंग रूप बदल जाएगा, चल भीतर चल। भीतर भीतर मतलब अंदर जाने के लिए उसको कहता है। अभी इसको तो बुरा लगता है, इसका ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि राजा समझता है ना खुद को, तो उसे लगता है कि नौकर ने मुझे डांटा। तो वो कहता है कि भले तुम मुझसे बड़े हो, गुस्सा आ गया इसको ज़रा, भले तुम मुझसे बड़े हो लेकिन मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। वो क्या कहता है कि आई नो यू आर एल्डर देन मी, मेरे से तुम बड़े हो लेकिन फिर भी मुझे डांटने का राइट तुमको नहीं है, यू डोंट हैव अ राइट टू स्कोल्ड एट मी। तो फिर अभी वो कहते हुए बताता है कि मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000 है और तुम 25-30 रुपये में किलो में मिल जाते हो। अभी वहाँ वो क्या कहता है कि मेरा मूल्य मतलब मेरी कीमत कितनी है 10 ग्राम की, 25,000। सोना जो है ना बच्चों, गोल्ड, ये हमेशा ग्राम में मिलता है और उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों होती है 25,000, 25,000 यहाँ पर उसने बताया। तो ये जो गोल्ड जो होता है ना, ये जो मेटल होता है, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है पूरे दुनिया में, मतलब गोल्ड बहुत कम मिलता है, इसके लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जैसे हम मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं, वेजिटेबल्स, तो आपने देखा होगा कि कोई सब्जी अगर कम आती है मार्केट में तो उसका रेट भी बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ दैट अवेलेबिलिटी, शॉर्टेज उनका होता है, स्टॉक कम होने की वजह से उसका रेट बढ़ता है। तो यहाँ पर भी सोना जो है वो अवेलेबिलिटी उसकी कम होने की वजह से उसका रेट बहुत ज़्यादा है, 25,000 रुपये, 25,000। और ये जो लोहा जो है वो अवेलेबिलिटी बहुत है उसकी मार्केट में, इसीलिए उसका रेट कम है। तो उसने क्या कहा, तुम तो खाली क्या 25-30 रुपये में तो किलो में मिलते हो, सोना हमेशा ग्राम में मिलता है और लोहा हमेशा केजी में मिलता है, किलो में मिलता है। तो फिर अभी लोहा उसको समझाता है, उसे कहता है कि किसी भी वस्तु को रुपयों में वस्तु का मूल्य लगाना गलत है, किसी भी वस्तु का मूल्य लगाना यानी उसकी कीमत फिक्स करना ये गलत है, ये व्यर्थ है। हमें ये देखना चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है, वी नीड टू सी दैट कि कितना यूजफुल है। लोहा भले वो सस्ता मिलता हो लेकिन वो कितना यूजफुल है वो भी हमें देखना चाहिए, भले वो छोटी चीज़ क्यों ना हो। जैसे अभी सुई जो होती है ना, निडल, उसका काम कितना बड़ा है, स्टिचिंग करना, उसका काम कोई दूसरा कर सकता है क्या, तलवार या कोई बड़ा शस्त्र या कोई बड़ी चीज़ कर सकती है, निडल का काम नहीं कर सकती, निडल का काम निडल ही खुद कर सकता है। तो इसीलिए किसी भी वस्तु का मूल्य लगाना, उसका रेट करना व्यर्थ है। तो वो कहता है कि सोने से पेट नहीं भरता है, मैं तो सबका हाथ बटाता हूँ। हमारा पेट भरता है क्या सोने से, क्या हम सोना खाते हैं, खा भी नहीं सकते। तो वो कहता है कि मैं सबका हाथ बटाता हूँ, आई एम हेल्पिंग एवरीवन। अभी ऐसा कहने पर इसको थोड़ा सा इन्फीरियोरिटी लगा ज़रा सोने को, कि मुझे ये थोड़ा ये ऐसा कह रहा है कि सोने से थोड़ी पेट भरता है। तो अभी इसको ये पता ही नहीं, तो कहता है कि लोहे से कैसे पेट भरता है, इसको इतनी अकल ही नहीं है सोने को बिल्कुल। तो उसको कहता है कि ऐसे कैसे, लोहे से कैसे पेट भरता है। तो फिर लोहा कहता है कि अगर मैं ना रहूँ, इफ़ आई वर नॉट देयर, तो ये जो कुदाल है, ये जो खुरपी है, ये जो फावड़ा है, वो कैसे बनेंगे, किससे बनेंगे। अब ये जो कुदल, खुरपी और फावड़ा, ये जो है ना, ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है जो फार्मिंग में यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमें खाने को मिलता है। अगर ये चीज़ ना नहीं रहेगी, मतलब लोहा अगर नहीं होगा तो ये चीज़ें भी नहीं बनेंगी, और ये चीज़ें नहीं बनेंगी, ये इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स नहीं बनेंगे तो एग्रीकल्चर भी नहीं होगा और हमें खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। तो वो कहता है कि अभी ये तो चलो फार्मिंग का हुआ, जब कभी हमें मकान बनाना हो, हाउस जब हमें बनाना होता है तो उसमें भी लोहे की ज़रूरत होती है। युद्ध में, बैटल फील्ड में भी, युद्ध के जो अस्त्र शस्त्र जो वहाँ पर काम करते हैं, मतलब वेपन्स, तो वहाँ पर राइफल है,
फिर क्या कहते हैं उसे, टैंक जो है वो बैटल फील्ड में जो भी वेपन्स यूज करते हैं तो वो सारे किससे बने होते हैं, लोहे से बने होते हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो व्हीकल्स जो होते हैं, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, जैसे फाइटर प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, प्लेन है, रेलवे है, सारे व्हीकल्स किससे बनते हैं, लोहे से बनते हैं। तो देखा लोहा कितना यूजफुल है, सोने से ज्यादा यूजफुल लोहा है। सोना क्या करता है, ब्यूटी बढ़ाता है, लेकिन लोहा हमें सर्वाइव करता है। तो इसलिए कहता है वो कि अगर मैं ना रहूं तो ये कैसे मुमकिन होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। युद्ध में भी मैं ही काम आता हूँ। अभी ये भी चलो, ये तो हुआ, अभी जो हम रोटियां जो खाते हैं, कब कोई भी बड़ा काम, अभी वो क्या कहता है कि कोई भी बड़ा काम करना हो तो लोहे के बिना होता नहीं। जैसे मैंने अभी बताया सारे व्हीकल्स लोहे के बनते हैं, जो रोटियां जो हम खाते हैं दोनों टाइम, तो रोटियां भी किस पे हम सेकते हैं, रोस्ट करते हैं, तवे पर सेकते हैं, है ना। सोने के तवे पर, हो सोने का तवा कभी देखा है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो हम उसको फायर पर रखेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो कहता है कि सब कुछ, ये सारी चीज़ें जो है, जो यूजफुल है हमारे डे टू डे लाइफ में, वो लोहे से ही बनती है। अभी इसने इसकी उपयोगिता बताई, तो अभी लो सोने को लगा मैं भी मेरा बताऊँ ना, इसने तो अपना बता दिया यूज़, फिर मैं भी बताता हूँ, मैं क्यों कम, मैं क्यों पीछे रहूँ। तो अभी बताता है कि जो अंगूठी, माला, बाली, मतलब अंगूठी मतलब फिंगर रिंग, नेकलेस, माला और बाली मतलब कान की बाली जो होती है, ईयर रिंग, तो वो किससे बनते हैं, मुझसे ही तो बनते हैं। इसके लिए मेरी तलाश होती है, मतलब जो लोग जो होते हैं वो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए किसे खोजते हैं, तलाश मतलब खोज, तो मेरी ही तलाश उनको होती है, क्योंकि मेरे सिवा ऑर्नामेंट तो बन ही नहीं सकते, आपकी ब्यूटी बढ़ ही नहीं सकती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ। मैं किसका प्यारा हूँ, राजा महाराज, धनिक मतलब जो धनवान है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, और राजा महाराजाओं क्या प्यारा हूँ, क्योंकि राजा महाराजाओं ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, गले में माला होती है, बाली होती है, उनका मुकुट भी होता है, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स वो पहने हुए होते हैं। इसीलिए वो क्या कहता है कि मैं राजा महाराजाओं का और धनिकों का प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। वो क्या कहता है कि मैं तो ऊंची ऊंची जगह पे रहता हूँ, नीचे तो कभी उतरता ही नहीं है। मैं ऊंची जगह पर रहता हूँ मतलब मैं राजाओं के उनके शरीर पर मैं रहता हूँ, क्योंकि वो मुझे पहनते हैं, मेरा यूज़ करते हैं, इसलिए मेरा जो स्टेटस है वो हाई स्टेटस है, मैं नीचे तो कभी उतरता ही नहीं हूँ। ऐसा कौन कह रहा है, सोना कह रहा है, और किससे, लोहे से कहता है। तो फिर अभी लोहा उसको कहता है तू राजा और धनिकों का प्यारा तो है, लेकिन मैं किसका प्यारा हूँ, मैं किसानों और मजदूरों का प्यारा हूँ। किसान और मजदूर लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे चाहते हैं। किसान और मजदूर मतलब, किसान मतलब फार्मर और मजदूर मतलब लेबर्स। तो मुझे गरीबों की सेवा करने में ना मुझे बड़ा सुख मिलता है, ऐसा लोहा उसको कहता है कि जब भी मैं गरीबों की सेवा करता हूँ, इफ आई सर्व टू द पुअर पीपल, मुझे बहुत आनंद मिलता है, सुख मिलता है मुझे। अभी वो उसको कहता है कि राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। दिन लद जाना मतलब बीत जाना, अभी राजाओं के दिन गए, बीत गए, अभी किसके दिन है, श्रमिकों के मतलब श्रम करने वालों के, मेहनत करने वालों के दिन है अभी। तो सोना कहता है कि बाप रे, मुझसे तो मेहनत नहीं होती है, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और आगे भी रहना चाहूंगा, क्योंकि आराम से है ना, क्योंकि हमेशा ये सेफ होता है, हमेशा वो तिजोरी में बंद होता है, सेफ एकदम, फिर वो घर की तिजोरी हो या बैंक की तिजोरी हो, राजा महाराजाओं के शरीर पर ये सेफ होता ही। इसके लिए वो क्या कहता है कि मैं तो आराम से रहता आया हूँ और मैं आगे भी रहना चाहूंगा। अभी उसे लोहा कहता है कि आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है, अगर हम श्रम करेंगे तो ही हमारा जीवन सुखी होगा, समृद्ध होगा। जीवन की सफलता किसमें है, सक्सेस किसमें है हमारे लाइफ की, श्रम करने में, मेहनत करने में, मजदूर मतलब हार्डवर्क करने में है। तुमने देखा कि मैं कितना काम करता हूँ, ऐसा वो सोने से कहता है। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। वो कहता है कि तुमने देखा है ना मुझे, मैं कितनी मेहनत करता हूँ दिन रात कल कारखानों में, मैं मतलब फैक्ट्रीज में मैं काम करता हूँ। अभी आपने देखा होगा मूवीज में या डिस्कवरी में वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, फैक्ट्रीज में बड़े बड़े मशीनरीज होते हैं,
जो भी चीज़ें मार्केट में जो अवेलेबल होती है तो वो फैक्ट्री में बनती है और फिर वो मार्केट में आती है, तो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है वो, तो वो मशीनरीज जो होती है वो किससे बनती है? लोहे से बनती है, जो कंपनी में भी होती है, कभी फैक्ट्रीज में होती है। तो वो कहता है कि देखो मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, और जो मेहनत करेगा उसी का सम्मान होगा, मतलब उसी को लोग रिस्पेक्ट करेंगे। तो फिर अभी सोना थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि उसने अभी ऐसे कहा कि जो मेहनत करेगा उसी का सम्मान होगा, और ये तो मेहनत करता ही नहीं, आराम से बैठा हुआ रहता है। अभी डर गया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि मेरा स्टेटस कम ना हो, मतलब लोग मुझे चाहना बंद ना करे, इसके लिए वो अभी थोड़ा सा डर जाता है। और वो कहता है कि तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। अभी उसको दादा कह रहा है वो, अब तक उसे क्या कह रहा था वो, उसे नौकर कह रहा था। और जब उसको पता चला कि अभी मेरा सम्मान कम होगा अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा, तो फिर वो डर जाता है, उसको दादा कहता है, जैसे बड़े भाई को हम दादा कहते हैं। तो फिर अभी उसको लोहा कहता है, तो डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। तू डाल डाल मैं पात पात, ये कहावत है, मतलब तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ, तुम भले ही उपयोगी हो, तुम्हारे में गुण है, लेकिन तुमसे ज़्यादा गुण मुझ में है, मैं ज़्यादा उपयोगी हूँ, लोगों को ज़्यादा उपयोग में मैं आता हूँ। तो ऐसा वो कहता है कि वो कहता है ठीक है, मेरी तेरी मैं हमेशा तेरी रक्षा करता आया हूँ, ऑलवेज आई प्रोटेक्ट यू, पहले बहुत पहले से मैं तुम्हारी रक्षा करता आया हूँ और आगे भी करूँगा, डोंट वरी, लेकिन तुमको अभी तुम्हारे घमंड बंद करना पड़ेगा, घमंड करना छोड़ दो तुम, तभी मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। फिर अभी ये तो उसको रियलाइज़ हो गया, नहीं बाबा अभी मुझे घमंड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आई विल कम इन ट्रबल। तो कहता है कि छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना, आई विल लीव एवरीथिंग, मैं ये प्राउडनेस जो भी है घमंड वो मैं सब छोड़ दूंगा, प्लग पर प्लीज़ मेरी रक्षा करना, मुझे प्रोटेक्ट करना, ऐसे वो लोहे से कहता है। फिर लास्ट में फिर लोहा कहता है, हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। अभी उसको कहता है, अभी उसने दादा कहा उसको कि दादा मुझे तो घबराहट हो रही है। फिर वो उसको कहता है कि ठीक है, अब तू मेरा छोटा भाई है ना, तो चल भीतर चल और बिना पूछे बाहर मत आना, अब मुझसे पूछे बिना तुमको बाहर नहीं आना है, और बाहर आ गया तो व्हाट विल हैपन, कोई भी चुरा कर ले जाएगा, उसे बेच देगा। तो देखा आप लोगों ने यहाँ पर किस तरह लोहा उसे रियलाइज़ करवाता है कि कौन कितना उपयोगी है, मतलब वो भी इम्पोर्टेंट है, सोना जो है उससे ब्यूटी हमारी बढ़ती है, स्टेटस भी बढ़ता है समाज में, लेकिन ये जो लोहा जो है वही हमें, वो हमें ज़्यादा उपयोगी होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो ये तो हुई मेटल्स की बात, है ना। तो हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम जो मनुष्य जो है वहाँ पर भी हमें क्या करना चाहिए, ऊंचा नीचा, ये हाई कैटेगरी का, ये लो कैटेगरी का, ये अमीर है गरीब है, ऐसा ना देखते हुए हमें लोगों के गुण देखने चाहिए कि कौन कितना गुणी है। अगर उसके गुण अच्छे हैं, भले रंग रूप अच्छा नहीं उसका, लेकिन उसमें अगर टैलेंट है, उसमें अच्छी क्वालिटी है, तो उनके क्वालिटी को हमें स्वीकार करना है, हमें एक्सेप्ट करना है। तो आई बात समझ में आपको, लेसन समझ में आ गया? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। फर्स्ट, डैश की रक्षा उसके नौकर चाकर करते हैं। आंसर, राजा। सेकंड, आराम डैश है। आंसर, हराम। थर्ड, सोने की रक्षा का भार डैश पर है। आंसर, लोहे। क्वेश्चन नंबर 2, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। फर्स्ट, युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। आंसर, सही। सेकंड, रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती है। आंसर, गलत। थर्ड, श्रम में ही जीवन की सफलता है। आंसर, सही। फोर्थ, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान नहीं होगा। आंसर, गलत। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। फर्स्ट,
सोने से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है? आंसर, सोने से अंगूठी, माला, बाली आदि बनाई जाती है। सेकंड, 10 ग्राम सोने का मूल्य क्या है? आंसर, 10 ग्राम सोने का मूल्य 25,000 रुपये है। थर्ड, 1 किलो लोहे का मूल्य क्या है? आंसर, 1 किलो लोहे का मूल्य 25-30 रुपये है। फोर्थ, लोहे पर किसकी रक्षा का भार है? आंसर, लोहे पर सोने की रक्षा का भार है। फिफ्थ, किससे मेहनत नहीं होती? आंसर, सोने से मेहनत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4, विरुद्धार्थी शब्द लिखो। बाहर, भीतर, अमीर, गरीब, जीवन, मरण, ऊंची, नीची, सुख, दुख, सच, झूठ, सफलता, असफलता, सम्मान, अपमान। क्वेश्चन नंबर 5, वचन बदलो। तिजोरी, तिजोरियां, रुपया, रुपये, वस्तु, वस्तुएं, रोटी, रोटियां, सफलता, सफलताएं, कारखाना, कारखाने। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखो। बच्चों, यहाँ पर भी तीन कॉलम्स दिए हुए हैं। पहला है शब्द, फिर है प्रत्यय और फिर नया शब्द। तो प्रत्यय, प्रत्यय मतलब सफिक्स। तो देखते हैं कौन से शब्द है। फर्स्ट है सुंदर, प्रत्यय है ता और नया शब्द सुंदरता। सेकंड, गुण, प्रत्यय वान और नया शब्द गुणवान। थर्ड, डर, प्रत्यय आवना, नया शब्द डरावना। फोर्थ, दिन, प्रत्यय है इक और नया शब्द दैनिक। फिफ्थ, घबराना, प्रत्यय आहट, नया शब्द घबराहट। सिक्स्थ, उपयोग, प्रत्यय ई, नया शब्द उपयोगी। थैंक यू।